तो क्या हाल है भाई लोगों, गुड न्यूज तो आपको काफी ज्यादा इंस्टाग्राम की मिली रही है। हर कोई वीडियोस बना रहा है कि भाई अब से आप रील्स डाल के पैसा कमा सकते हो। मैंने बहुत पहले बना दी थी, मतलब जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर है जैसे कि टेक्निकल योगी हैं, आप इनको जानते होंगे, ऑफिशियल यूट्यूबर है, तो भाई इन्होंने भी वीडियोज बनाई क्योंकि ये बात बिल्कुल कन्फर्म हो चुकी है कि अब से आप रील्स डालोगे और आपको पैसा मिलेगा। ठीक है ना, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया कि भाई अगर आपको अपनी रील्स को मोनेटाइज करवाना है तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। ये खुद इंस्टाग्राम ने बताया पोस्ट को डाल के, ठीक है ना, जाके वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखी है। बट यहाँ पर अब बात आती है, ये टॉपिक नहीं है, इन टॉपिक को तो मैं कवर कर चुका हूं। ये आज का टॉपिक ये है कि आप एक हफ्ते में कितनी रील्स को अपलोड करना चाहिए एल्गोरिथम के हिसाब से, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एल्गोरिथम सर्च करता रहता हूं इंस्टाग्राम के और मुझे काफी ज्यादा नॉलेज मिलती है। तो मैंने सोचा भाई आप लोगों के आगे शेयर करूं। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम कितनी रील्स को अपलोड करें। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि भाई जब मन करा तब बना दी और डाल दी, तो भाई ऐसा नहीं है। आप एल्गोरिथम के साथ चलोगे तो आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है ना, यहां पर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको इतनी रील्स तो डालनी है और आपको किस टाइप की रील्स डालनी है, क्योंकि भाई मेरी बात मानो, क्योंकि इंस्टाग्राम ने साफ साफ कि अगर आप इस टाइप की रील्स डालते हो तो हम आपका जो इंस्टाग्राम है मोनेटाइज नहीं करने के, आपकी रील्स को मोनेटाइज नहीं करने के। भाई देखो, आप इस चीज से समझो कि भाई जिनके व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं रील्स पर, तो वो भाई बहुत ज्यादा रील्स डाल सकते हैं क्योंकि उनकी एंगेजमेंट आ रही है और वो और एंगेजमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्टाग्राम उनको खुद बूस्ट करे जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर वो एक दिन में दो दो रील्स भी डालेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जिनके व्यूज नहीं आ रहे, एवरेज आ रहे हैं, तो भाई उनके लिए एल्गोरिथम के हिसाब से आपको रेगुलर होना भी पड़ेगा और आपको गैप भी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपको गैप भी बहुत जरूरी चीज होती है। अगर आप रेगुलर डाले जा रहे हो और आपके व्यूज बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं, तो भाई एल्गोरिथम ये भी समझ जाते हैं कि भाई इनके व्यूज नहीं आ रहे, क्योंकि एल्गोरिथम सबके हिसाब से बराबर है, सबके लिए बराबर है। और जब आपके अकाउंट पर व्यूज आ ही नहीं रहे, तो एल्गोरिथम समझ जाते हैं कि आपका जो अकाउंट है भाई, वो इसका मतलब आप रील्स ही बेकार डालते हो, इसलिए भाई आपकी अकाउंट पर एल्गोरिथम भी वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आपको गैप भी करना पड़ेगा और आपको रेगुलर भी चलना पड़ेगा। तो अगर आप मेरी मानोगे तो आपको दो दिन लगातार रील्स को अपलोड करना, जैसे कि आज अपलोड कर दी और कल अपलोड कर दी, उसके बाद में एक दिन का गैप, उसके बाद में दोनों दिन लगातार, फिर एक दिन का गैप, ऐसे कर करके आप चलोगे तो आप रेगुलर भी रह पाओगे एल्गोरिथम के हिसाब से और आप गैप भी ले रहे हो। ठीक है ना, गैप भी बहुत जरूरी होता है। आपने खुद नोटिस करा होगा जब आप रेगुलर रील्स डाले जा रहे हो तो आपके व्यूज इतने नहीं आ पा रहे, आपके 600-700 व्यूज आ रहे हैं। ठीक है ना, और जब आप 3-4 दिन का गैप लेते हो और उसके बाद डालते हो तो आपके उस रील्स पर 1000 व्यूज नॉर्मली हो जाते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम क्या लगता है कि भाई ये रेगुलर यहां पर छोड़ रहा है तो यहां पर इसको हल्का सा लालच देते हैं। ऐसा कुछ एल्गोरिथम नहीं है, दो थोड़ा सा ही ये चीज मुझे लगती है। ठीक है ना, तो आपको गैप भी लेना जरूरी है और आपको रेगुलर भी होना जरूरी है। तो आप इस टाइप का ये फॉर्मूला अपना सकते हो कि मतलब दो दिन लगातार डाली, उसके बाद में एक दिन का गैप, उसके बाद में दो दिन डाली, फिर एक दिन का गैप। अगर आप इस तरीके से चलोगे महीना दो महीना करके देखो, आपको व्यूज में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। बट आपको कंटेंट बहुत सही रखना है। और अब सबसे मेन चीज ये आती है कि आप ये डालते रहो हफ्ते में भाई 5 से 6 रील्स डालते रहो, बट आपको किस टाइप की डालनी है। काफी लोग ये ट्रेंड अपना रहे हैं कि अपनी फोटो पे, जैसे कि अपनी फोटो लगा दी, उस पर टेक्स्ट वगैरह लिख दिया और उसके बाद में कुछ और वीडियोस चला दी, या फिर भाई कोई वीडियोस चलाई नहीं, बस अपनी फोटो पे टेक्स्ट लिख दिया, इन वीडियोस पे बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं। बट ये वीडियोस इंस्टाग्राम की नजरों में बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि भाई सही नहीं है, भाई इन वीडियोस को इंस्टाग्राम मोनेटाइज नहीं करने का, ये इंस्टाग्राम ने ही बताया है। आप जाके खुद इंस्टाग्राम के क्रिएटर पे पढ़ भी सकते हो। यहां पर इंस्टाग्राम ने साफ साफ कह रखा है कि भाई टेक्स्ट वाली जो रील्स होती है, फोटोज वाली होती है, हम उनको मोनेटाइज नहीं करने के। काफी लोग भाई टेम्पलेट भी बना देते हैं अपनी फोटोज का, उनको भी मोनेटाइज नहीं करने के। उसका जो रीजन है वो इंस्टाग्राम में नहीं बताया, बट जहां तक मुझे लगता है उसका रीजन ये भी हो सकता है कि काफी लोग क्या करते हैं भाई, वॉलपेपर लगा देते हैं, उसके बाद में टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में अगर ऐसी वीडियोस को इंस्टाग्राम प्रमोट कर रही है, मतलब मोनेटाइज कर रही है, ऐसी वीडियोस वाले पैसे कमा पा रहे हैं, तो भाई जो नेचुरल वाले जो कंटेंट है ना, जो भाई ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है, भाई उनके लिए तो बुरा है ना। तो इसलिए भाई इंस्टाग्राम ने ऐसे रील्स को साफ मना कर दिया है। आप अपनी वीडियोस पे टेक्स्ट लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, बट फोटो पे टेक्स्ट लिख के वो रील्स मोनेटाइज नहीं होंगी। एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं भाई, ये जो एडजोन रील्स वाला जो फीचर है, ये बहुत जल्दी आने वाला है। अभी जब भी आएगा, ये कोई इसका कोई क्राइटेरिया अभी तक तो नहीं आया है, तो जहां तक मुझे लग रहा है ये एक इनवाइट ऑप्शन की तरह ही आएगा। तो यहां पर आप लोग खुद सोच सकते हो, आपका अकाउंट चेक करके आपको मोनेटाइजेशन वाला ये ऑप्शन दिया जाएगा। तो भाई जाहिर सी बात है, जब आपका अकाउंट चेक करेगा इंस्टाग्राम, तो वो सोचेगा कि भाई ये तो सारी उसी टाइप की रील्स डाल रहा है जो हमने मने कर रखी है। तो भाई आपको इसलिए पूरा इस पोस्ट को पढ़ लेना बारीकी से, उसके बाद या फिर मेरी वीडियो जाकर देख लेना, उसके बाद ही भाई यहां पर डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप की रील्स डालनी है। अगर आप उनकी गाइडलाइंस के अंदर रह रहे कि रील्स डाले जा रहे हो और आपके अकाउंट पर कोई स्ट्राइक नहीं है, तो आपको गारंटी भाई ये फीचर मिल जाएगा एडजोन रील्स वाला। क्योंकि यहां पर इंस्टाग्राम ने ये भी कह रखा है कि अगर आपके पास स्ट्राइक है या फिर भाई आपका जो मोनेटाइजेशन है वो इनलिजिबल है, रेड साइन आ रहा है, तब भी आपको हम ये फीचर नहीं देने के। तो आपको बहुत ज्यादा यहां पर पोस्ट पढ़ के बारीकी से डालनी है, रील्स डालो, रेगुलर डालो, ताकि भाई इंस्टाग्राम को भी लगे हां भाई रेगुलर मेहनत कर रहा है और हमारी गाइडलाइन के अंदर रह के मेहनत कर रहा है, तो भाई आपको गारंटी ये ऑप्शन मिलेगा। और इंस्टाग्राम आपको, जाहिर सी बात है भाई, इंस्टाग्राम की बात मारो तो इंस्टाग्राम
चैनल आपको खुद ही बूस्ट करेगी। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 4 लाख जल्दी करवा दो भाई, जल्दी कंप्लीट होने वाला है। 8-9 हज़ार सब्सक्राइबर यहाँ पर बाकी बचे हुए, इतने तो आप चुटकी में करवा दोगे, तो भाई कर देना, अभी कर देना, ठीक है ना। जाना मत भाई, सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है ना। तो बस यार आज की वीडियो में तो नहीं, मिलते अगली वीडियो में, इसी के साथ हम रहे प्यार के, और फिर मिलेंगे चलते चलते।